अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप कर पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है, कतर के तरफ से पाकिस्तान को बहुत ही भारी मात्रा में मदद किया गया। साथियों, पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि बारिश के टाइम में पाकिस्तान की हालत क्या हुई थी, लाखों लोग वहां पे बेघर हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान जो है पानी से डूब गया था। तो कतर के तरफ से लगभग 25 मिलियन डॉलर का दोस्तों जो मदद है वो भेजा गया है पाकिस्तान को। यहाँ पर खबर को आप पढ़ सकते हैं, कतर इज कंट्रीब्यूटिंग सम 25 मिलियन डॉलर टू असिस्ट पाकिस्तान विथ फ्लड। यानी दोस्तों, फ्लड क्राइसिस जब आया था इसकी वजह से दोस्तों वहाँ पे मदद को भेजा गया ताकि वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गरीब गुरबा के लोग हैं, उनको वहाँ पे मदद हो सके। अगली खबर दोस्तों जारी, साथियों वीडियो के स्क्रीन पर फोटो जिनकी आप देख सक रहे हैं, इनका दोस्तों नाम है सऊद अल मोहम्मदी। साथियों, इनका आज के दिन इंतकाल हो गया। दोस्तों, ये खास इसलिए है क्योंकि ये कतर फुटबॉल एसोसिएशन के ये हेड रह चुके हैं, यानी वे वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों ये रह चुके हैं और एफसी का भी ये वे वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों रह चुके हैं, यानी क्यूएफए का और एफसी का। तो इनका नाम था सऊद अल मोहम्मदी। तो दोस्तों, इनका इंतकाल हो चुका है दोस्तों, ऑफिशियली मीडिया के तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया। साथ ही अभी गल्फ अरेबियन कप का यदि आप मैच को देखते हैं तो दोस्तों बता दूँ, आज के दिन वहाँ पर ग्रुप स्टेज का मैच है यूएई और कुवैत के बीच में। 4:15 में दोस्तों आज मैच स्टार्ट हुआ था और अगला मैच है कतर के बीच में और बहरीन के बीच में, जो कि 19:15, यानी दोस्तों अभी ये मैच जो है वो स्टार्ट शायद होने वाला है। ये आज की मैच है, कल के बारे में दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूँ। ये आज का मैच दोस्तों जो है, ये दो मैच आज होने वाला है। अगली जो खबर दोस्तों आ रही, बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही दोस्तों दर्दनाक घटना घटी है कुवैत में। अब साथियों, खबर मैं कुवैत का इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि अब तक की सबसे खतरनाक घटना घटी है। 4 एक्सपर्ट यानी 4 प्रवासी मजदूर की वहाँ पे एक साथ मौके पे ही दोस्तों मौत हो चुकी है। साथियों, कुवैत में बारिश हो रहा है, आपको पता होगा, तो बारिश के वजह से गाड़ी स्लिप किया। एक कुवैती के द्वारा गाड़ी को चलाया जा रहा था, चलाने के दौरान दोस्तों बारिश की वजह से स्लिप करने की वजह से वो लोग रोड को पार कर रहे थे, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाया। तो कंट्रोल ना होने की वजह से तो बलजात स्ट्रीट में टक्कर मारने की वजह से दोस्तों वहां पे चारों वर्करों की मौके पे ही मौत हो गई। साथियों, वीडियो के स्क्रीन पे आप फोटो में अंदाजा लगा सकते हैं गाड़ी की क्या हालत हुई है, तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन वर्करों की क्या हालत हुई होगी। तो साथियों, ये खबर जो है वो काफ़ी आग के तरह पूरे गल्फ कंट्री में, सभी कंट्रियों में फैल गया है क्योंकि एक साथ वहाँ पर 4 वर्करों की मौत हुई। दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम सुनने को आप लोग को मिलता होगा। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही, बहुत ही बड़ी खबर है। साथियों, आए दिन मैं आपको बताते रहता हूँ, कतर का बहुत ही दोस्तों बड़ा दिल है, हमेशा अलग अलग कंट्रियों की ये मदद करते रहता है। तो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जितने बसों का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, फीफा के दौरान लगभग 3000 बस था, तो दोस्तों सभी 3000 बसों को फीफा वर्ल्ड कप में जो इस्तेमाल किया गया था वो लेबनान को परिवहन क्षेत्र में समर्थन करने के लिए गिफ्ट दे दिया गया है। दोस्तों, कोई 10 बस नहीं देता है, ये 3000 बसें को दोस्तों बिल्कुल फ्री में लेबनान को मदद के तौर पे दे दे रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक केयर।